गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉप सबसे अच्छी एचपी लैपटॉप्स अंडर 50,000। 50,000 के अंदर आपको इस टाइम पर कौन कौन सी बेस्ट एचपी लैपटॉप्स मिलती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कोर्स के बारे में। आपने सुना होगा कि ये जो प्रोसेसर है ये 2 कोर्स की है, और ये जो प्रोसेसर है ये आपकी 4 कोर की है, और ये जो प्रोसेसर है ये आपकी 6 कोर की है। तो ये 2 कोर 4 कोर 6 कोर क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कोर, एंड क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे प्रोसेसर में इन कोर्स का। सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक हाथ है, मतलब कि एक हाथ इक्वल टू सिंगल कोर, ठीक है, तो आप किसी टास्क को करने में ज़्यादा टाइम लोगे 2 हाथ की तुलना में। अगर आपके पास ड्यूअल कोर है तो आप किसी टास्क को बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करेंगे सिंगल हैंड या फिर सिंगल कोर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो आपकी होती है क्वाड कोर, तो वो जो होती है 2 कोर से ज़्यादा स्पीड काम करती है। स्पीड काम मीन्स की वो अपने टास्क को डिवाइड कर देता है ताकि आपकी जो टास्क है वो बहुत ही स्पीडली हो एंड आपको आपके वर्क में कोई भी ऐसा डिले देखने को नहीं मिले। तो आप समझ गए होंगे कि कोर का क्या काम होता है और वो कैसे आपके टास्क को बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करता है। तो बेसिकली वो जो है आपके टास्क को डिवाइड कर देता है ताकि आपकी जो टास्क है वो बहुत ही स्पीडली हो और आपको बहुत ही कम टाइम में वो चीज़ देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी स्पीड बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। बट यहाँ पर कोर देखिए, आपके लिए ड्यूअल कोर एंड क्वाड कोर एनफ है, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं लैपटॉप में कोडिंग करूँ, मैं लैपटॉप में थोड़ा वेब ब्राउजिंग करूँ, मैं लैपटॉप में थोड़े सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, जो आपकी होती है बेसिक सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस हुई, जो होती है वीडियो एडिटिंग हुई, तो आप इन सभी टास्क को जो है इस लैपटॉप में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आपको ड्यूअल कोर क्वाड कोर एनफ है। बट अगर आप लैपटॉप में बहुत ही हाई लेवल की एडिटिंग करने वाले हैं, आप 4K में, आप 1080p में, आप जो है अपने लैपटॉप में डिफरेंट गेम्स खेलने वाले हैं बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही हाई आपकी डेफिनेशन पे, तो वहाँ पर आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा कोर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप में बहुत ही बेसिक टास्क करने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर ड्यूअल कोर एंड क्वाड कोर तक बहुत ही ज़्यादा एनफ है। और यहाँ पर देखिए, किसी भी डिवाइस में अगर वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है तो कंपनीज़ या फिर वो जो आपकी डिवाइस है वो कहीं ना कहीं लैग करेगी। लैग का मीन्स की देखिए, जितना ज़्यादा कोर उतना आपका होता है बैटरी कंजप्शन, आपकी जो होती है पावर कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा लेता है बहुत ज़्यादा कोर वाला लैपटॉप। तो आपके लैपटॉप में जितना अधिक कोर होगा आपके लैपटॉप में उतना ही कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा आपके लो और जो आपकी क्वाड कोर या फिर आपकी जो ड्यूअल कोर वाली आपकी प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लैपटॉप में बहुत ही ज़्यादा हैवी काम करने वाले हैं तो आप जो है 6 कोर तक जाएं। लेकिन अगर आपका टास्क बहुत ही लो ग्रेड का है, लो ग्रेड का मतलब कि आप लैपटॉप में कोडिंग, वेब ब्राउजिंग एंड छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर जो है क्वाड कोर एंड ड्यूअल कोर एनएफ रहने वाला है। आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉप सबसे अच्छी लैपटॉप्स जो कि आपको 50,000 के अंदर HP ब्रांड में देखने को मिलती है। सबसे पहला जो हमारा लैपटॉप है वो है AMD का Ryzen 5 5500U के साथ आने वाला एक लैपटॉप। आपको इस लैपटॉप में मिलता है एक बहुत ही अच्छा 6 कोर वाला प्रोसेसर, प्लस आपको मिलती है 8GB का DDR4 RAM एंड 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD। एंड साथ ही आपको इस लैपटॉप में डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स मिलते हैं, लेटेस्ट पोर्ट्स जैसे कि USB का 3.0 पोर्ट्स, USB का Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट्स, ताकि आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से और आपको इस लैपटॉप में कोई भी ऐसा कमी देखने को नहीं मिले। एंड आपको इस लैपटॉप में 3 सेल का 41 वाट आवर की बड़ी बैटरी मिलती है ताकि आप इस लैपटॉप में अपने वर्क को आराम से 6 आवर तक कर सकें। यहाँ पर कंपनी ऐसा लिखती है कि आप इस लैपटॉप में 8 आवर तक बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको 6 आवर तक रख सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एक बहुत ही अमेजिंग फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही ब्राइट है, मतलब कि आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट टास्क को बहुत ही विविध तरीके से कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप में कोई भी ऐसा डल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है एंड विद द हेल्प ऑफ AMD की Radeon ग्राफिक्स कार्ड के साथ आप इस लैपटॉप में अपने वीडियो एडिटिंग को एंड छोटे मोटे गेम्स को बहुत ही आराम से इस लैपटॉप में प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और लैपटॉप है जिसमें कि आपको मिलता है AMD का Ryzen 3 5500U प्रोसेसर जो कि एक
क्वाड कोर प्रोसेसर है, तो आप इस लैपटॉप में भी अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से कर सकते हैं और बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 8GB का DDR4 रैम प्लस 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD देखने को मिलता है। एंड आपको इस लैपटॉप में USB का टाइप सी पोर्ट्स, HDMI पोर्ट्स, USB का 3.0 पोर्ट्स देखने को मिलती है, ताकि आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से कर सकें। साथ ही आपको इस लैपटॉप में एक बहुत ही अमेजिंग फुल HD डिस्प्ले मिलता है, ताकि आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही आराम से विविध तरीके से कर सकें। एंड आपको इन दोनों ही लैपटॉप्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वर्जन इनबिल्ट देखने को मिलता है, ताकि आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट डिफरेंट जो होती है MS Word, MS PowerPoint, MS Excel को आराम से यूज़ कर सकें। एंड आपको इस लैपटॉप में विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, बट आप आने वाले टाइम में इस लैपटॉप में विंडोज़ 11 को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है AMD का Ryzen 3250U प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप, जिसमें कि आपको मिलता है 1TB की HDD एंड 256GB की SSD प्लस 8GB का DDR4 रैम। एंड आप इस रैम को 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं इन सभी लैपटॉप्स में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड आप इस लैपटॉप को भी आराम से 6 आवर तक यूज़ कर सकते हैं। इन सभी लैपटॉप्स को आप जो है 65W के अडैप्टर से बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हैं एंड अपने टास्क को बहुत ही आराम से लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लैपटॉप है वो है एक बहुत ही अच्छा इंटेल का कोर i3 11th जनरेशन के साथ एक लैपटॉप, जिसमें कि आपको मिलता है 8GB का DDR4 रैम एंड 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD। तो आप इस लैपटॉप में जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप में 256GB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का एक बहुत ही अमेजिंग फुल HD IPS डिस्प्ले मिलता है। तो आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को, आप इस लैपटॉप में अपने मूवीज़ को बहुत ही इन्जॉय कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप में कोई ऐसा बहुत ही डल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। लास्टली हमारे पास आता है एक बहुत ही शानदार लैपटॉप, जिसमें कि आप अपने 4G सिम को डाल सकते हो और अपने इंटरनेट को बहुत ही स्पीडली यूज़ कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट कोर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, जिसमें कि आप अपने टास्क को बहुत ही आराम से स्मूथली कर सकते हैं। एंड आपको इस लैपटॉप में 8GB का DDR4 रैम एंड आपको इस लैपटॉप में 512GB का M.2 PCIe NVMe SSD मिलता है। तो आप इस लैपटॉप में अपने टास्क को बहुत ही स्पीडली कर सकते हैं। आपको इस लैपटॉप में कोई भी ऐसा कमी देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही आपको इस लैपटॉप में विंडोज 10 प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाला है। एंड आपको इस लैपटॉप में MS Office का 2019 वर्जन भी इनबिल्ट मिलेगा, ताकि आप इस लैपटॉप में अपने MS Word को, PowerPoint को, एक्सेल को बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी टॉप 5 सबसे अच्छी बेस्ट HP लैपटॉप्स, जो कि आपको इस टाइम पर अंडर 50,000 में मिल रही है। तो आप इस लैपटॉप में अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को बहुत ही आराम से स्पीडली कर सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।